ॐ नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रिजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरं। बोले शनि भगवान की जय। शनिवार के दिन क्या एक काम करना आप शुरू कर दें जिससे आपका हर काम चलने लग जाए। आज का विषय है, नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री, रात 9 बजे के एपिसोड में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे दर्शकों, शनिवार का जो दिन होता है हमारे सभी दिनों में एक सबसे प्रमुख, एक सबसे अहम दिन कहा गया है। यूं तो प्रत्येक दिन का अपना अपना अलग महत्व होता है, लेकिन इन सभी दिनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा प्रभाव देने वाली अगर कोई दिन है तो वह शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन शनि देवता की पूजा की जाती है और शनिवार के दिन हम बजरंग बली जी से जुड़े हुए उपाय भी कर सकते हैं। शनिवार के दिन की एक सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इस दिन आप जो भी उपाय करते हैं, इन उपायों का रिजल्ट आपको सबसे जल्दी मिलता है। क्यों? क्योंकि शनिवार के दिन जो देवता हैं वो शनि देवता हैं और शनि देवता जैसा मनुष्य कर्म करता है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देते हैं। अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा। न्याय के देवता शनि देव को कहा गया है। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा प्रयोग, इसको आप प्रयोग कह लीजिए, इसको आप उपाय कह लीजिए, इसको आप अपनी दिनचर्या भी बना सकते हैं, क्योंकि वीडियो के टीजर में भी मैंने लिखा है इसी शनिवार से शुरू कर दें यह कार्य। और इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आपने केवल 11 दिन करना है, 21 दिन करना है, ना। इस उपाय का जो एक सबसे बड़ा नियम है वो यह है कि इसको आप लॉन्ग लाइफ जब तक करेंगे तब तक आपको इसके रिजल्ट मिलते रहेंगे। जितना लंबे समय तक आप इस उपाय को करते रहेंगे उतना आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे पिताजी ये कार्य करते थे जब मैं छोटा था, उनको देखता था। उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो मैं पिताजी के साथ जाने लगा, मैं भी उनके साथ मिल करके हम ये कार्य करते थे। उसके बाद पिताजी की मृत्यु, उनका स्वर्गवास होने के बाद इस कार्य को मैंने आगे बढ़ाया। ये नहीं है कि आप इसको, मतलब अगर आपके पिताजी करते थे तो आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य के कुछ कर्म तो ऐसे होने चाहिए कि भगवान का आशीर्वाद उसके ऊपर बना रहे। तो आज का यह एपिसोड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि शनिवार से आपने क्या काम शुरू करना है, इस काम को करने के क्या क्या रिजल्ट आपको मिलेंगे, आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, सारी डिटेल्स, सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आप धर्म कर्म पूजा पाठ में रुचि रखते हैं तो आपको आज का एपिसोड बेहद पसंद आने वाला है। कई सारे हमारे भक्तों के हमारे पास प्रश्न आते हैं। देखिए, मुझे बताने में कोई भी संकोच नहीं होता, जो रियलिटी है मैं वही बताता हूँ। काफ़ी मोस्टली हमारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि आप बात को बहुत घुमा फिरा करके बोलते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य कभी भी ऐसा नहीं होता। मेरा उद्देश्य होता है जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं अच्छी तरह से आपको समझ में आनी चाहिए। ऐसे लोग भी हैं जो एक मिनट में वीडियो बना करके खत्म कर देते हैं। काफी भक्तों के कमेंट आते हैं कि शास्त्री जी आप बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बनाते हैं। मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं कि कोई भी वीडियो मैं बनाता हूं आपके लिए 8 या 10 मिनट का मेरा एक वीडियो होता है और उसमें मैं आपको सारी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कई कई लोग तो ऐसे भी हैं
एक एक घंटे का भी वीडियो बना रहे हैं, डेढ़ डेढ़ घंटे का भी वीडियो बना रहे हैं। तो अगर 8 मिनट का वीडियो लंबा है तो 1 घंटा या 1.5 घंटे के वीडियो को आप क्या कहेंगे? तो देखिए, जानकारी अगर लेनी है, अगर वीडियो में से कुछ ज्ञान प्राप्त करना है तो थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ता है, बाकी सबकी अपनी अलग अलग समझ होती है। तो चलिए, आप भगवान शनि देव को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड को हम सभी भक्त शुरू करते हैं। ओम शनि देवाय नमः। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं पंडित नितिन शास्त्री प्रस्तुत हूं आपके सामने आज का नया एपिसोड लेकर के। अब हम बात करने वाले हैं उस दिव्य शक्तिशाली उपाय के बारे में, उस प्रयोग के बारे में जो आपने शनिवार से प्रारंभ कर देना है। जो भी भक्त इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, जो शनिवार आने वाला है, चाहे वह कल आएगा, चाहे 2 दिन के बाद आएगा, चाहे 5 दिन के बाद आएगा, आने वाले शनिवार से ही आपने ये कार्य शुरू कर देना है। साथियों, क्या करना है आपने? आपने शनिवार की शाम सूर्य अस्त होने के बाद, जिस समय सूर्य छिप जाए, मिट्टी का जो दीपक होता है वो अपने साथ घर से भी आप लेकर जा सकते हैं, मंदिर में भी आपको मिल जाता है, घर से लेकर जाते हैं, गुड बेटर बेस्ट है। आप मिट्टी के दीपक में एक लंबी बत्ती, विशेष ध्यान रखना है, खड़ी हुई बत्ती नहीं लगानी है, खड़ी हुई जोत नहीं लगानी है, जो लंबे वाली जोत है वो लगानी है, और सरसों के तेल से मिट्टी का दीपक तैयार कर लेना है। उसके साथ आपने थोड़े से काले उड़द अपनी पूजा की थाली में रख लेने हैं, और शनिवार की शाम को सूर्य अस्त होने के बाद मंदिर में जाना है शनिदेव जी के। वहां पर आपने ये सरसों के तेल का दीपक जलाना है, और वहां पर आपने ओम शम शनैश्वराय नमः इस मंत्र का भी 11 बार जाप करना है, दीपक जलाना है, और जो काले उड़द आपके पास हैं उनको हाथ में लेकर शनि देवता को प्रणाम करना है। शनिवार से ये काम आप शुरू कर दें और इस काम को आप करते रहें। साथियों, ये तो मैं आपको नहीं कहता कि 2 शनिवार में या 5 या 7 शनिवार में, लेकिन जितना अधिक भाव से आप इस कार्य को, इस प्रयोग को करना शुरू कर देंगे, परिणाम धीरे धीरे करके आपके समक्ष आने लगेंगे। आपके जीवन में किसी भी तरह की घरेलू समस्या है या आपकी कोई निजी समस्या है, आपकी बाहरी कोई समस्या है, धीरे धीरे करके उन सारी समस्याओं का अंत होने लगेगा। आपका कोई बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम है जो चलता नहीं, जिसमें रुकावट आती है, या आप कोई दुकान करते हैं, या आपका कोई बिजनेस है, किसी भी काम में आपके रुकावट आ रही है, वो सारी अड़चनें धीरे धीरे करके दूर होने लगेंगी। उसके अलावा अगर आपका कोई गुप्त शत्रु है, कोई ऐसा शत्रु है जिसने बहुत लंबे समय से आपका कार्य बिगाड़ रखा है, इस उपाय को करने के बाद आपके जितने भी शत्रु हैं, कोई भी हो, कितना ही पुराना शत्रु हो, वो सारे शत्रु धीरे धीरे करके आपके मार्ग से हटने लगेंगे। मैंने आपको बताया है कि शनि देवता न्याय के देवता है, और जो दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, किसी को ठगते हैं, किसी का बुरा करते हैं, ऐसे लोगों को शनि देव बहुत जल्दी दंड देते हैं। आप और कुछ ना करें, ये प्रयोग करना आप प्रारंभ कर दें शनिवार को, बहुत जल्द आपको जो भी परेशानी है वो सारी समस्याएं आपकी धीरे धीरे करके सोल्व होने लगी। इस उपाय को करते समय किन एक चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा?
शनिवार के दिन काला कपड़ा अपने शरीर पर नहीं पहनना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। शनिवार को आपने उपाय भी करना है, ये प्रयोग भी करना है, या आप अपनी इसको एक दिनचर्या लगा लीजिए। शनिवार के दिन ना तो काला कपड़ा और ना नीला कपड़ा आपके बदन पर होना नहीं चाहिए। इसके अलावा अन्य दिन आप पहन सकते हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको यहां रेकमेंड करूंगा कि काला कपड़ा जितना परहेज हो ग्रहण करने से, पहनने से आप बचें। क्योंकि अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा हो गए हैं या आपको किसी भी तरह की कोई समस्याएं पारिवारिक, घरेलू, बाहरी चल रही हैं, तो काला कपड़ा पहनने से आप परहेज करें। आपको इसके भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए नजर आने लगेंगे। इसके अलावा इस उपाय को, यानी कि शनिवार के दिन जब आप मंदिर में ये कार्य करने जाएं, तो घर से सिर्फ मंदिर के लिए जाएं, बीच में आपने कहीं भी नहीं रुकना है। और उसके बाद वहां पर आपने दीपक जलाने के बाद, उड़द चढ़ाने के बाद सीधा अपने घर आना है। रास्ते में कहीं भी नहीं रुकना है। घर आकर के आप अपने हाथ प्रक्षालन, हाथ धो लें, थोड़ा पैरों पर भी छींटा लगा लें, ये चीज भी आप ध्यान रखें। बहुत जल्दी शनि महाराज की कृपा से आपके जीवन में सकारात्मक रिजल्ट आने लगेंगे, आपके जीवन में खुशहाली आने लगेगी, आपके सारे कार्य बनते हुए नजर आने लगेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का एपिसोड बेहद पसंद आएगा। मिलेंगे कल रात 9 बजे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहें। जय माता की।